केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पेट सिटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। मेरठ गढ़ रोड स्थित बाबा जादूगिर प्राचीन शिव मंदिर में अवैध निर्माण करने का आरोप लगाते हुए आज क्षेत्रीय नागरिकों ने मेरठ विकास प्राधिकरण पहुंचकर जमकर हंगामा किया। टाउन प्लानर होश में आओ, भ्रष्टाचार बंद करो जैसे नारे लगाते हुए इन लोगों ने नगर नियोजक विजय कुमार का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों में साधु संतों के अलावा बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल रहीं। इन लोगों ने आरोप लगाया कि मोटा पैसा खाकर गलत तथ्यों के आधार पर मंदिर के निर्माण का नक्शा पास कर दिया गया है। इस निर्माण को यदि नहीं रोका गया तो उन्हें सड़क पर बैठना पड़ेगा। शिवसेना के पश्चिमी यूपी प्रभारी धर्मेंद्र तोमर ने आरोप लगाया है कि उनका पूर्व निर्धारित यह विरोध प्रदर्शन था। इसका जैसे ही प्राधिकरण अफसरों को पता चला वे भाग निकले। पहले देखिए प्राधिकरण में शिवसेना व स्थानीय पार्षदों द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन का नजारा। भ्रष्टाचार है, पैसा खाली है। आप पता क्या आप अवैध निर्माण कराएंगे, आप शहर में गंदा कराना चाहते हैं। आपको इस तरह की बात कर रही है, आप आराम से बैठो। आप बात कर रहे हैं, मंदिर को मैंने नियमों के अंतर्गत पास किया है, उसकी जांच कर रहे हैं। जांच में अगर वो पाया जाएगा कि नहीं नियम के अंतर्गत है तो उसको रुकवा देंगे। जब तक जांच चलती है तब तक इस बारे में धर्मेंद्र तोमर ने फर्स्ट बाइट डॉट टीवी से यह कहा। तोमर शिवसेना प्रदेश महासचिव पश्चिमी यूपी प्रभारी, क्या मामला है सरा जी? आज हम सौराब गेट बस स्टैंड के पास बाबा जादूगर प्राचीन शिव मंदिर है और वहां पर भू माफिया द्वारा भूमि
मंदिर की भूमि को कब्जा कर अवैध निर्माण किया जा रहा है। एमडीए द्वारा उसका नक्शा पास कर दिया गया, जबकि एमडीए को पता है कि वो व्यक्ति भूमाफिया है, उसके पूर्व में भी मुकदमे दर्ज है भूमाफिया के, लेकिन उसके बाद भी मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा दर्ज होने के बाद नक्शा पास कर दिया गया। हमने एमडीए उपाध्यक्ष से पूर्व कांवड़ यात्रा से पूर्व संज्ञान में दिया और वो काम रुक गया और मामला जांच में चला गया। लेकिन अभी कुछ दिनों से फिर वहां पे अवैध निर्माण प्रारंभ हो गया और मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी लगातार एमडीए अधिकारियों से मिलते रहे। एक घंटे काम रुकता था, चार घंटे काम चलता था। ये प्रक्रिया मिलजुल कर चल रही थी। एमडीए अधिकारी और कर्मचारियों से मिलकर भूमाफिया अपना काम कर रहा है। आज जब ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने हमारा समर्थन मांगा, हम पूरे अपने झंडे और डंडे के साथ कार्यालय में आए, एमडीए कार्यालय में, और जब हम एमडीए कार्यालय आए तो एमडीए कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी अपनी कुर्सियां छोड़कर भागने हैं। हमें उनका इंतजार है कि वो आए और भूमाफिया द्वारा मंदिर पर अवैध निर्माण जो हो रहा है उसे तुरंत रुकवाएं। ये नए उपाध्यक्ष अब क्या करेंगे? हमने चेतावनी दी है कि एमडीए अगर कानून व्यवस्था वहां पर खराब होती है रोडवेज बस स्टैंड के पास, तो उसका जिम्मेदार एमडीए कार्यालय होगा। प्रशासन समझ ले और जान ले, क्योंकि धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है। धार्मिक भावनाएं आहत हो रही है, धार्मिक भावनाएं आहत होंगी तो सड़कों पर जाम भी होगा। और जो बस है रोडवेज की, वो यहां से लखनऊ जाती है, लखनऊ तक आवाज पहुंचेगी, जब रोडवेज बस लखनऊ नहीं जा पाएगी। यहाँ पे जो है कुछ महिलाओं का कीर्तन भी गया है, इसके बारे में आप क्या सुनो? महिलाएं कीर्तन करके जगा रही है, धार्मिक महिलाएं, वो अपनी बात बता रही है लेकिन समझने के लिए तैयार। वहीं पूर्व सभासद अनिल शर्मा का यह कहना रहा। मेरा नाम अनिल शर्मा है, पूर्व पार्षद हूँ फुलबाग कॉलोनी से। सोराब गेट बस स्टैंड के बराबर में बाबा जादूगर प्राचीन शिव मंदिर है, वहाँ पर कुछ भूमाफिया द्वारा मंदिर परिसर में अवैध रूप से कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा और मौके पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। हम अनेकों बार सचिव महोदय से, टाउन प्लानर महोदय से मिल चुके हैं, लेकिन आश्वासन के सिवा कुछ भी नहीं दिया जा रहा। आज हम सब लोग क्षेत्र के आसपास के तमाम पार्षद, गगनदीप गौतम जी पार्षद कैलाशपुरी वाले, अंशुल गुप्ता जी पार्षद, मनोज गुप्ता जी, मनोज वर्मा जी, तमाम शिवसेना भी और तमाम हिंदूवादी संगठन के लोग आ रहे हैं, और आज हमारी यही मांग है ऋषि महोदय से कि प्रभाव से काम रोका जाए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।